हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन गौतम एंड वेलकम टू द क्लास। टुडे अगेन वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन। राइट, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट वाज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट, देन वी हैव डिस्कस अबाउट एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक 3 टर्मिनोलॉजीज की, जिसमें हम बात करेंगे पहला होगा वेट, सेकंड होगा हमारे पास में मास, और एक हम बात करेंगे ठीक है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, या फिर हम इसका इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मास की, फिर बात करेंगे हम वेट की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, मास की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मास की। तो मास के लिए हमेशा ध्यान रखना, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ये डस्टर है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक ये डस्टर है। ठीक है, तो मास का मतलब क्या होगा, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल्स बाय विच दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मेड अप। मतलब इस डस्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है मेरे पास, उसकी क्वांटिटी मुझे क्या बताएगी, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए मास हमेशा बता दिया जाता है किसके अंदर, केजी के अंदर। ठीक है, और केजी क्या है, किलोग्राम्स। केजी क्या है, किलोग्राम्स। मतलब ऐसा यूनिट क्या होगी मास की, किलोग्राम होगी। बात समझ आई यहां पे, कोई डाउट इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर बात करेंगे हम किसकी, वेट की। सेकंड टर्म आती है हमारे पास में, ठीक है, अब इनको कंपेयर भी करेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। वेट का मतलब होता है, हम अर्थ पे हैं, मैं जैसे इस डस्टर को नीचे के फ्रीली छोड़ दूंगा तो कहां भागेगा, नीचे की तरफ। मतलब क्या होगा, अर्थ इसके ऊपर क्या होगी, एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, यही बात करते हैं। ठीक है, तो वेट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स बाय विच अर्थ सरफेस अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, मतलब वेट क्या होगा, वेट को हम किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स के टर्म में। मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स बाय, या फिर मैं बोलूं एग्जर्टेड बाय अर्थ, एग्जर्टेड बाय अर्थ सरफेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वेट को हमने किसकी टर्म में डिफाइन किया, फोर्स की टर्म में, तो ऐसा यूनिट भी इसकी किसकी टर्म में आएगी, फोर्स की टर्म में। दैट मींस फोर्स के ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स के ऐसा यूनिट होती है अपने पास में न्यूटन, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। तो वेट के लिए भी जो उसकी ऐसा यूनिट होगी, वेट के लिए भी जो उसकी ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो हमेशा ध्यान रखना, मास हम मेजर करेंगे किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, वेट हम मेजर करेंगे किसके अंदर, न्यूटन के अंदर। यहां तक बात समझ आई, अब एक चीज ध्यान रखना, एक छोटी सी कंडीशन लेते हैं। एक बात बताओ, इस डस्टर को मैं अर्थ पर लेके आया, फिर उसको मून पे ले गया, मून से जुपिटर पे ले गया, मेरा मन कर गया कि आज मेरा मन नहीं कर रहा अर्थ पे रहने का, मैं पहले मून पे ले गया, देन आई स्विच टू दी जुपिटर। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्या वो चेंज हो जाएंगे, कि पहले 100 थे मून पे ले जाते, ये जो है 50 रह गए, जुपिटर बड़ा है तो वहां पहुंचते ये क्या हो गए, 200 हो गए। इज दिस पॉसिबल, नहीं ना, ये डस्टर तो डस्टर ही रहेगा ना, वहां पे जाते पार्टिकल्स थोड़ी चेंज होंगे। दैट मींस मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट इन दिस होल यूनिवर्स। मास कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहीं पे भी ले जाओ पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो क्या रहेगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे वेट की बात करी, तो वेट क्या था, अर्थ जो था फोर्स लगा रहा था, अर्थ क्या कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था इसके ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम वन सॉरी एफ इज इक्वल टू जी
एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, एम वन एम टू, मतलब अगर इस डस्टर की बात करूं तो डस्टर के मास और जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अर्थ की बात करूंगा तो इसके लिए कुछ अपना वेट होगा क्योंकि अर्थ का मास कुछ और है। मून की बात करूं, मून का मास क्या है, अर्थ से कम है, तो मून पे जाते ही जो है वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वन तो उतना का उतना था लेकिन एम टू क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब यहां पे वेट कुछ और हो जाएगा। जुपिटर क्या है, अर्थ का 25 टाइम है, ठीक है, तो वहां पे मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वहां पे वेट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर बट वेट चेंजेस प्लेस बाय प्लेस। बात समझ आई इन दोनों टर्म्स का मतलब, बात समझ आई। टर्म्स अगर क्लियर हैं तो हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि हम कभी भी वहां जाते हैं डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलते हैं, वेट मेजर कर लो, जबकि वेट नहीं होता, मास मेजर करते हैं, वेट नहीं करते, ठीक है। वेट क्या है, फिर हम क्या बोलते हैं, मेरा वेट तो कितना आया, 50 kg आया। इज दिस पॉसिबल टू मेजर वेट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, वो तो उसकी यूनिट ही नहीं है। अगर मैं तुम लोगों की बात करूं, मैं बोलूं कि मेरी हाइट की बात करूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी हाइट जो है 5 kg है, 5 kg है, इज दिस पॉसिबल, मैं बोलूंगा 5 feet है, मतलब पर्टिकुलर यूनिट उसके लिए स्पेसिफाइड है। इसीलिए हम कभी भी वेट को किलोग्राम में मेजर नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं उस जगह, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वेट मेजर करना है तो हमेशा किस में यूनिट का, किस में मेजर करना पड़ेगा, न्यूटन में ही मेजर करना पड़ेगा, किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते। बात समझ आई, ठीक है। फिर हमारे पास इन दोनों टर्म्स में कोई दिक्कत हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं। अगर मैं बात करूं तीसरी, जो हमारे पास जो थर्ड टर्मिनोलॉजी थी वो क्या थी, वेटलेसनेस, ठीक है। देखो वो भी देखते हैं वो क्या होती है, थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है अपने पास में, वेटलेसनेस, ठीक है। देखो वेटलेसनेस एक स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या मैं बोले कंडीशन है, ठीक है। मैंने बोला कि इसको फ्रीली छोड़ूंगा तो कहां भागेगा, नीचे की तरफ भागेगा ना, तो ध्यान रखना इसी से रिलेट कर रहा हूं। वेटलेसनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट है जहां पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। दैट मीन्स वेटलेसनेस इज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको छोड़ूंगा, फ्रीली छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर मैं बोलूं इसको मैं यूं पटक रहा हूं तो मेरे मस्कुलर फोर्स भी लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो कौन सी वाली कंडीशन होगी, पहली वाली, मतलब फ्रीली छोड़ दूं, ठीक है। तो वेटलेसनेस इज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या हो गई, स्टेट हो गई, जहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ओनली ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तीनों टर्म समझ आई, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मास इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट इज द फोर्स जिस फोर्स के थ्रू क्या कर रही है, अर्थ सरफेस उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को, और वेटलेसनेस वो कंडीशन होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारे पास में, ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, उसके अलावा कोई भी फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होगा। यहां तक बात समझ आई, इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।